हेलो एवरीवन, आई एग्जाम्बी प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है मीनांशु काहार, जिन जो अब नाबार्ड में राजभाषा अधिकारी बन चुके हैं 2022 के रिक्रूटमेंट साइकिल में। सो मीनांशु, आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और आई एग्जाम्बी की पूरी पूरी टीम की तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू एंड धन्यवाद मीनांशु, आज अपने समय निकालने के लिए। और सारे स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स जो हैं, जो राजभाषा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। मैं बहुत ब्रीफली मीनांशु के बारे में बताऊंगी और फिर मीनांशु अपने आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इन्होंने पहले बीकॉम किया था, फिर इन्होंने कुछ साल के गैप के बाद एमए किया है हिंदी में। अभी ये कार्य भी कर रहे हैं एमपी गवर्नमेंट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी की पोस्ट पे। और इन्होंने राजभाषा में इनका रुझान होने की वजह से ये एग्जाम की तैयारी करने की शुरुआत करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने इसको क्लियर भी किया है। तो मीनांशु, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे आपको राजभाषा की तरफ रुझान आया और कैसे आपने इसके लिए प्रिपरेशन करने की सोची। जी मैम, शुरुआत में जब प्रतियोगी परीक्षा दे रहे थे हम करियर में कि कुछ नौकरी करना है इसके हिसाब से, तो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे थे हम स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो मेरी यहाँ पर पहले एमपी स्टेट गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की पोस्ट लगी थी 2017 में। वहाँ मैं करीब 1.5 साल काम कर रहा था। उसके बाद यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पोस्ट थी एक पटवारी की, उसका फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था, उसमें सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैं वहाँ चला गया। अभी मैं पटवारी के रूप में काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैम, इसी दौरान मुझे लगा कि अब मतलब करियर में कुछ आगे करने के लिए हम क्या ऑप्शन का क्या विकल्प चुन सकते हैं, तो थोड़ा सर्चिंग करने पर ही यूट्यूब वगैरह पे, गूगल पे मैंने देखा, मेरा इंटरेस्ट था कि मैं हिंदी के लिए कुछ करूं। तो मैंने एमए हिंदी करना, एमए हिंदी कोर्स प्रारंभ किया। साथ में मैंने देखा कि इसमें करियर ऑप्शन क्या मिल सकते हैं, तो राजभाषा अधिकारी परीक्षाओं की जानकारी मुझे मिली। तो मैंने 2020 में एमए शुरू किया, मेरा 2021 में वो एमए खत्म हो गया। और पिछले वर्ष ये जो परीक्षा निकल करके आई थी इसकी, नाबार्ड की राजभाषा अधिकारी की, तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया। मैं तैयारी में तो थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा था इसके लिए, तो मैम हो गया अब इस साल सिलेक्शन। नहीं, बहुत बढ़िया है। मतलब आपने, कई लोगों को पता नहीं रहता है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन आपको जैसे अपना रुझान था तो आपने उसकी तरफ आपने उसके लिए तैयारी करी, पहले पढ़ाई भी करी, फिर क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं सोचा, तो आपने पहले ही अटेम्प्ट में इसको क्लियर भी कर पाए। तो अगर मैं ये पूछूं कि जैसे नाबार्ड की राजभाषा अधिकारी का एग्जाम सिर्फ हिंदी के ऊपर नहीं होता, आपको काफी सारे और सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, तो आपने इसकी जी कैसे तैयारी करी? मैम, मैं जब मैंने इसका नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने पिछले साल का मतलब इसका एग्जाम का पहले पैटर्न देखा, फिर पिछले सालों के मैंने कट ऑफ देखे इसमें कैसा क्या इसका रहता है। मैम, प्री में इसके 8 सेक्शन रहते हैं, 200 जी नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है, 200 क्वेश्चन रहते हैं, 8 सेक्शन है, और सब में सेक्शनल क्वालिफाइंग करना जरूरी रहता है। 5 सेक्शन क्वालिफाइंग के, 3 सेक्शन मेरिट सेक्शन है। तो मैंने मैम वो ओवरऑल कट ऑफ भी देखा, उसमें कितना रिक्वायर्ड रहेगा, साथ में सेक्शनल कट ऑफ कितना कितना जाता है। तो मैं उसकी उसको लेकर के मैं प्रिपरेशन मैंने शुरू की कि मुझे कहाँ किन सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है जो मेरिट सेक्शन है, और कहाँ पे सिर्फ मैं इतना स्कोर कर लूँ कि मेरा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो मैम, मैंने वो चीजें देख करके तैयारी शुरू की थी। जो सेक्शन मेरे ठीक थे, मतलब मैं पहले से बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा रीजनिंग और इंग्लिश और कंप्यूटर मेरा इतना ठीक ठाक है, तो मैंने उन पर विशेष ज्यादा ध्यान दिया नहीं। मैंने थोड़ा क्वांट की प्रैक्टिस की, क्योंकि बहुत टाइम से मैं तैयारी नहीं कर पा रहा था मैम। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एक नया सब्जेक्ट है, लेकिन वो उतना उसका वेटेज भी नहीं है। 10 नंबर के सवाल आते हैं उसमें प्री में, तो उसमें पिछले साल कट ऑफ शायद 1 या 1.25 नंबर गया था, तो मैंने उसमें इतना ध्यान दिया है कि मैं उतने 2-3 नंबर तक ला सकूं। और मैम, इसके अलावा मैंने मेरिट सेक्शन में ज्यादा ध्यान दिया था इसके लिए, प्री के लिए। जी, तो मेरिट सेक्शन में जैसे आपका एआरडी आता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, ईएसआई आ जाता है और जीए आ जाता है, तो इन सब पे आपने जैसे ज्यादा ध्यान दिया। मतलब वो वाजिब भी है ऐसे तैयारी करना, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाना काफी जरूरी हो जाता है, और स्पेशली अगर आप स्पेशलाइज में कर रहे हैं तो उनका पैटर्न समझना काफी जरूरी हो जाता है। तो आपने जैसे इन सब चीजों की तैयारी करी, तो मेरिट सेक्शन के लिए आपने किस तरीके के अप्रोच ली? मैम, मेरिट सेक्शन में 3 सेक्शन होते हैं, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी, जिसमें से हमारी मेरिट बनती है, तो सिलेक्शन जो कट ऑफ काउंट किया जाता है सिलेक्शन के लिए। मैम, मैंने जनरल अवेयरनेस की बात करूं, तो मैं असल में जॉब में भी हूं, तो मुझे उतना टाइम मिल नहीं पाता पढ़ाई पर ज्यादा देने के लिए। तो मैं डेली तो जीए नहीं पढ़ पाता था, मैंने मंथली करंट अफेयर पीडीएफ, मैंने मंथली पीडीएफ पढ़ना शुरू किया। मुझे लगता था वो ज्यादा उचित प्रकार है पढ़ने के लिए, मेरे पास समय अभाव है उसके कारण।
तो मैम मैं मंथली करंट अफेयर पीडीएफ से पढ़ता था। पीडीएफ पढ़ने के बाद जब पूरी पीडीएफ मैंने किसी महीने की पढ़ ली, उसके बाद मैं वीडियो देख लेता था ताकि मेरा वो एक प्रकार से रिवीजन हो जाए। मैम मैंने मेरिट सेक्शन में मैम पहले जीए के बारे में बताना चाहूंगा। मैम जीए के लिए मैम मेरे पास समय कम होता था जॉब के साथ में पढ़ाई कर पाने के लिए, तो मैं डेली तो जीए नहीं पढ़ पाता था डेली बेसिस पे। मैंने ये किया था कि मैं मंथली पीडीएफ जो गूगल पे अवेलेबल हो जाती है बहुत से सोर्सेज से, तो मैंने एक किसी सोर्स से डाउनलोड की थी मंथली पीडीएफ, तो मैं उसे दो तीन बार उसकी रीडिंग कर लेता था। उसके बाद यूट्यूब पर कुछ कुछ अवेलेबल है चैनल, वो मतलब मंथली कंपाइलेशन वीडियोस मिल जाते हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस के, तो मैं उसको देख लेता था जिससे मेरा रिवीजन हो जाता था। मैम इसके अलावा मैंने ईएसआई के लिए भी मैम सेम स्ट्रेटेजी थी। मैं अपना स्पेशलिस्ट, मुझे ये ध्यान था कि हमारी स्ट्रीम स्पेसिफिक है स्पेशलिस्ट की है, हमें उतना कट ऑफ नहीं चाहिए जनरलिस्ट जैसा कि 50-55 नंबर का हमें कट ऑफ निकालना हो, 20-25 नंबर कट ऑफ हमारा जाता है। तो मेरा उतना था कि मैं कहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं करूंगा, मैं कम कम पढ़ूंगा लेकिन जो पढ़ूंगा उसे रिटेन करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने ईएसआई के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ा, मैं जनरल अवेयरनेस को ईएसआई जैसा ही मान करके पढ़ाई कर रहा था उसके लिए। और मैम मैंने एआरडी सेक्शन के लिए जरूर, मैंने आपका चैनल है यूट्यूब पर, आपका पोर्टल है, तो उससे मैंने जो एआरडी के वीडियोस में देख सकता था, मुझे जो लगता था कि मैं कवर कर सकता हूँ वो मैं जरूर देख लेता था। और कुछ मटेरियल जो मिल जाता कहीं कहीं पर भी टेलीग्राम वगैरह पे, जो बेसिक हम पढ़ सकते हैं रूरल सेक्शन के लिए, लेकिन एआरडी के लिए तो वो मैं पढ़ लेता था। मैंने इस प्रकार से मेरिट सेक्शन के लिए तैयारी की थी प्रीलिम्स से। अगर हम राजभाषा के लिए बात करें फेज टू का, जब आपने फेज वन क्लियर किया होगा तो पूरा फोकस अब आप बहुत सीरियस हो गए होंगे अपने राजभाषा के लिए, तो राजभाषा की तैयारी आपने किस तरीके से करी, क्योंकि इसमें दोनों डिस्क्रिप्टिव भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो कैसे आपने इसकी तैयारी करी? जी मैम मैं बताना चाहूंगा, राजभाषा के लिए तो मैंने एग्जाम से कोर्स एनरोल किया हुआ था राजभाषा की तैयारी के लिए, तो प्रतिमा में मैम बताती थी वहाँ पे, उसमें हमारी लाइव क्लासेस होती थी, हफ्ते में दो तीन क्लासेस हो जाती थी, तो मैम उसमें हम राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान हमें पढ़ने को मिल जाते थे और हम पारिभाषिक शब्दावली भी वहाँ कवर कर लेते, फिर वहाँ ट्रांसलेशन भी हो जाता था। तो मैम उससे क्लासेस मुझे सहायता मिली और मैं खुद से भी थोड़ा करता था प्रैक्टिस कि मैं डेली एक पैसेज दो पैसेज दोनों भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकूँ, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। पारिभाषिक शब्दावली के लिए मैंने आरबीआई की शब्दावली का प्रिंट करवा के रखा है मेरे पास, तो मैं थोड़ा उसमें टाइम देता था कि पढ़ सकूँ उसे। और मैम इसके अलावा संवैधानिक प्रावधान वगैरह तो मैंने यूट्यूब पे भी उसके लिए वीडियो है, आपकी तरफ से भी वीडियो है कोर्स में हमें जो मिले थे, तो वो मैंने देखे थे, तो वहां से मेरी तैयारी हो गई थी राजभाषा की मेंस एग्जाम के लिए। जी, और इसके बाद फिर जब आखिरी में इंटरव्यू आता है, तो इंटरव्यू के लिए आपने कोई विशेष तैयारी करी? कैसे आपने डिसाइड किया कि मतलब आप सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू में? मैम मैं इंटरव्यू को लेकर के बहुत ज्यादा डाउट में था, मैं मसल में कि मैंने कभी पहले इंटरव्यू फेस किया नहीं है, तो मुझे बहुत ज्यादा उसके लिए चिंता हो गई थी। मैं प्री और प्रीलिम्स और मेंस के लिए उतना मुझे टेंशन नहीं थी जितना मुझे इंटरव्यू के लिए टेंशन थी, तो मैंने कॉन्टेक्ट किया प्रतिमा मैम से कि थोड़ा गाइडेंस मिले, और गरिमा मैम से भी मेरी इस बारे में बात हुई थी आपके पोर्टल, तो मैम मुझे उससे सहायता मिली। उसमें कुछ वीडियोस हैं, मैं इंटरव्यू में कैसा गेटअप रखना है, कैसे हमको ग्रीट करना है पैनल को जाकर के, वो जो बेसिक हमको जो नियम मानने चाहिए इंटरव्यू में अपेयर होते हुए। और मैम तैयारी के लिए हमने अपने यही राजभाषा की चीजें तैयार की थी, संवैधानिक प्रावधानों को मजबूत किया था, शब्दावली मजबूत की थी ताकि अगर वो पूछा जाता है एक वाक्य अनुवाद अगर पूछ लेते हैं तो और शब्दावली के शब्द अगर पूछ लेते हो तो हम उनको जवाब दे सके। मैम इसके अलावा मैंने सर्च किया था प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट मिल रही थी कुछ, वो मैंने पढ़ के कुछ आइडिया लगाया कि पैनल किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, हालांकि उससे कुछ ज्यादा सहायता हमें नहीं मिली क्योंकि वो ज्यादातर लोगों के जनरलिस्ट स्ट्रीम वाले अवेलेबल थे, नाबार्ड मुझे राजभाषा का तो कुछ भी नहीं मिला, कोई भी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उससे करने की कोशिश की। जी, ये आपने काफी सही बोला है कि ना जब ट्रांसक्रिप्ट मिलती है तो सब जनरल की ज्यादा बात करते हैं, जब स्पेशलाइज्ड का होता है तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे पैनल पे काफी, क्योंकि ऐसे पैनलिस्ट रहते हैं जिनको इसका एक्सपीरियंस है या जो इन सब विभागों में और स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम में भी कार्य कर चुके हैं या लोगों को जानते हैं, उसकी वजह से वो स्पेशलाइज्ड वाली गाइडेंस भी आ पाती है। तो मीनांशु, आखिरी में ये पूछना चाहूंगी, आई एग्जाम्बी का क्या की क्या भूमिका रही है आपके ओवरऑल प्रेपरेशन में और जर्नी में? मैम मैं शुरू से, मतलब नाबार्ड के अगर शुरू से बताना चाहूँ, प्रीलिम्स से लेकर के मेंस और इंटरव्यू में, तो मैम लगातार मुझे मतलब कोई ना कोई सोर्स किसी भी स्टूडेंट को चाहिए कि वो जो जहाँ से उसे गाइडेंस मिलता है, बहुत से कन्फ्यूजन हमारे सामने आते हैं, और तो मैम मैंने उसी वजह से कोर्स ही परचेस किया था ताकि कहीं मैं अगर अटकता हूँ तो मैं पूछ सकूँ। तो मैम प्रीलिम्स से लेकर के मेंस ही मुझे बहुत हेल्प मिली है, और इंटरव्यू में तो मैम मैं मानता हूँ कि मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक जा पाया कि क्यों मैं आपके चैनल से जुड़ा हुआ था, मुझे बहुत बड़ा डाउट मेरे सामने आ गया था मेंस के बाद जब रिजल्ट आया था मेंस का,
इंटरव्यू को लेकर के। तो मैम मैं उसके लिए बहुत कंफ्यूज था कुछ दिनों, तो मुझे बहुत टेंशन रही कि उसमें क्या कर सकते हैं क्योंकि वो सही कुछ गाइड नहीं मिल रहा था। तो मैम मैंने मैम से बात हुई थी उसके बाबत वो उस डाउट के बारे में, तो उन्होंने मेरा वो डाउट क्लियर कर दिया था। तो मेरा वो जो चिंता का बिंदु था वो मैम हट गया, तो मैं अपनी तैयारी में ज्यादा ध्यान दे पाया इंटरव्यू। तो मैम अब मानता हूँ मैम बड़ी भूमिका रही है आई एग्जाम पोर्टल की मेरी तैयारी। थैंक यू एंड धन्यवाद मीनांशु इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा यही एम रहता है एक्चुअली। जैसा आपने बोला कि स्टूडेंट को कंटेंट प्रोवाइड करना तो एक एक तरफ की बात होती है, दूसरा होता है कि गाइडेंस, क्योंकि कई सारे डाउट्स आते हैं, कंफ्यूजन होता है कई कई पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे, कभी प्रीलिम्स से रिलेटेड हो सकता है, कभी मेन से रिलेटेड हो सकता है, कभी इंटरव्यू से रिलेटेड हो सकता है, कभी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। तो ये जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करते हैं हमारी प्रेपरेशन में। तो हमारा एम यही रहता है कि कंटेंट तो बढ़िया प्रोवाइड करना ही है, एग्जाम के लिए आपको तैयारी करवानी ही है, लेकिन आपको पूरा सपोर्ट भी दें हम एंड तक, ताकि आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहें और चिंता रहित होकर अपने एग्जाम पे और अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान दे सकें। तो मीनांशु बहुत बहुत धन्यवाद ये चीज़ कहने के लिए, ये हमारे लिए भी बहुत प्रेरणा का स्रोत बनता है और हम भी आगे ऐसे ही कार्य करते रहना चाहेंगे। और हम अपनी टीम की तरफ से वापस से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और आपका करियर बहुत ही वह सुखमय हो और आप बहुत तरक्की करें, यही हम कामना करेंगे आपसे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।